म्यूजिक संसार की कथा श्रृंखलाओं में सुनिए ये धार्मिक कथा। प्रिय भक्तों, अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। सबसे पहले बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वो दिन में एक समय ही भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वो न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वो सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा आदि खाना, कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहां पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहां मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया।
वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जातीं। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहां मेरे पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब दिन बुरे आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वो सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली, कहो दासी क्यों आई थी। रानी बोली, बहन, हमारे यहां अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। तब तो रानी और बांदी को बहुत ही दुख हुआ और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब तक नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वो बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे लिए और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और वो रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया।
तथा अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं ये मुझको भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और अब बृहस्पतिवार की कहानी सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी मां ने देख लिया और कहा, हे बेटी,
सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसका तेरे साथ विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तथा मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी, हे मां, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मां ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो मां की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मां भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, वह आग न जलाए, समस्त लोग मेरे यहां भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार
शहर के सभी लोग भोजन करने गहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख लाए हैं, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चा मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा में कहा, आजा है, उसे छोड़ दो, रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। उनको देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहां चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए चले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी मां रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी, दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल
राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहां 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हां चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना रानी। और रानी ने हां कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन की कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए।